हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के शेयर के बारे में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि टाटा पावर ने एक बहुत ही ज़बरदस्त पार्टनरशिप करी है, और वो भी इसके मेन जो सोलर सिस्टम का बिजनेस है, जो इसका सोलर पावर का जो बिजनेस आप देख रहे हैं, उसी को लेकर ये खबर भी देखने को मिली है। बहुत ही ज़बरदस्त खबर है, उसका असर भी आज आपको देखने को मिला है, और ओवरऑल आने वाले दिनों में भी इसकी तेज़ी आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। इस बात के भी संकेत पूरे पूरे हैं। आज की इस वीडियो हम कम्प्लीटली जानेंगे, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड का फ्रंट पेज आपके सामने है। 232 पर आज इसकी क्लोजिंग देखने को मिली है। बात अगर करें कि आज कितनी तेज़ी थी, तो लगभग 2% के आसपास की तेज़ी दिखाकर ये काउंटर बंद होता हुआ दिखाई दिया है। एक हफ्ते में अगर हम देखें दोस्तों, तो लगभग 3-3.5% का उछाल इस पर्टिकुलर काउंटर में देखने को मिला है, और इसमें भी आज की जो तेज़ी है वो इंक्लूड नहीं है। अदरवाइज ये तेज़ी आपको लगभग 5% की देखने को मिल रही है बीते एक हफ्ते के अंदर अंदर, ठीक है। एक महीने में अगर हम देखें, तो लगभग आप देख पा रहे हैं एक महीने में भी 6% के आसपास के पॉजिटिव रिटर्न आपको बनते हुए नजर आए हैं, वो भी अपने आप में अच्छे ही माने जा सकते हैं। बात अगर एक साल की करें, तो एक साल में लगभग 72% के रिटर्न बनते हुए नजर आए हैं, और ये अपने आप में काफ़ी शानदार रिटर्न हो जाते हैं। अगर आप देखेंगे कि शेयर अपने ऊपरी स्तर से कितना अभी नीचे दिखाई दे रहा है, तो लगभग 20% डाउन, या फिर बोल सकते हैं 20% करेक्टेड, अभी भी आपको ये शेयर अपने ऊपरी स्तर से दिखाई दे रहा है। तो ये तो इसकी सिचुएशन हमने देख ली, लेकिन अगर हम देखें कि न्यूज़ बेसिकली क्या निकल कर आई है, तो सबसे पहले मैं आपको वही दिखाता हूँ, उसके बाद हम बाकी की और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे। देखिए, न्यूज़ मैंने आपके सामने लगा दी है। अगर आप यहाँ देखें, टाटा पावर टीम्स अप विद JLL इंडिया टू प्रोवाइड ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन इन द रियलिटी स्पेस। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि टाटा पावर और JLL इंडिया का टाइप हुआ है। यहाँ पर जो मेन टाइप आपको देखने को मिल रहा है वो क्यों है, रियलिटी स्टेट रियलिटी स्पेस एक्चुअल, उसमें जो ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए, मतलब ग्रीन एनर्जी को ये तो आप जानते हैं पहले से ही बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, और इस प्रॉपर चीज़ को, या फिर बोल सकते हैं ग्रीन एनर्जी को, ज़्यादा से ज़्यादा रियल इस्टेट में कैसे करके यूज़ किया जाए, इसके बारे में भी आपको ये टाइप होता हुआ नज़र आ रहा है। तो डेफिनेटली जो न्यूज़ निकल कर आ रही है वो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मैं आपको थोड़ा सा आगे भी लेकर चलता हूँ, तो देखिए यहाँ पर भी एक MOU साइन हो चुका है JLL और टाटा पावर के बीच, जिसमें इन लोगों ने करार किया है कि पूरी तरीके से किस तरीके से रियल इस्टेट सेक्टर में अपने ग्रीन एनर्जी को कैसे प्रमोट किया जाए। तो ये तो आपने देख लिया, फिलहाल टाटा पावर की जो न्यूज़ निकल कर आई है वो तो मैंने आपको बता दी। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहा जा सकता है दोस्तों कि जिस तरीके से टाटा पावर इस सेक्टर में काम कर रही है, वैसे तो इनका जो डोमेस्टिक सेक्टर, अगर हम बात माने जो इनका जो बेसिक सेक्टर है, क्या है, पावर से रिलेटेड ही है, लेकिन कन्वेंशनल पावर, जो कि हाइड्रो बोल सकते हैं हम, थर्मल बोल सकते हैं, स्पेशली थर्मल ही है। लेकिन उसके बाद जो इनका EV बिजनेस और इनका जो सोलर बिजनेस है, वो इतने स्पीड से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, और लगातार आप देख रहे हैं दिन पे दिन ये बिजनेस इनका ग्रो करता ही चला जा रहा है। और अगर इसी स्पीड से ये बिजनेस ग्रो करता रहेगा, तो डेफिनेटली आने वाला जो समय रहेगा वो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा अच्छा टाटा पावर को देखने को मिलेगा। और स्पेशली अगर आप देखेंगे, जो अभी इनका जो मेन रेवेन्यू सोर्स है वो तो अभी भी थर्मल पावर ही है, लेकिन आने वाले समय में इस मेन रेवेन्यू स्ट्रीम को ये कम्प्लीटली चेंज करने के लिए EV और सोलर भी देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, उसमें भी थोड़ा सा टाइम ज़रूर लग सकता है, इतना जल्दी हो सकता है कुछ ना हो, लेकिन शेयर के लिए तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, क्योंकि मार्केट तो न्यूज़ पर भी चल जाता है। मार्केट के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ही ज़रूरत नहीं है, मार्केट अगर संकेत अच्छे आ रहे हैं, मार्केट तो उस पर भी अच्छा रिएक्ट करता है। तो टाटा पावर के लिए आने वाले जो दिन होने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। तो फिलहाल टाटा पावर की बात तो ये कम्प्लीटली हो गई। अब बात अगर ख़रीदारी की करें, कि हमें ख़रीदारी करनी चाहिए या नहीं, तो डेफ़िनेटली मुझे तो ऐसा लगता है कि टाटा पावर को इस प्राइस पर अगर हम ख़रीदते हैं, तो डेफ़िनेटली कहीं भी दिक्कत वाली बात नहीं है, और आने वाले दिनों में रिटर्न मिल ही सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ये शेयर आप ज़रूर खरीद के चल सकते हैं, अगर आप चाहें अपनी एनालिसिस के बाद। तो ठीक है दोस्तों, ये कम्प्लीटली बात हो गई टाटा पावर के बारे में। अब हम बात करने वाले एक ऐसे शेयर के बारे में, जो आने वाले दिनों में आपको एक अच्छा खासा स्प्लिट दिखाने वाला है, और शेयर का नाम है हाई एनर्जी बैटरीज। वैसे तो मैंने आपको पहले भी एक आध बार इसके बारे में बताया है, लेकिन अब मैं रिमाइंड कराना चाह रहा हूँ, क्योंकि इसकी जो एक्स डेट आपको देखने को मिलेगी वो बहुत ज़्यादा नज़दीक आती हुई दिखाई दे रही है। 2156 रुपये पर आज इसकी क्लोजिंग दिखाई दी थी। बात करें
आज क्लोजिंग के टाइम पर इसमें लगभग 4.5% की एक बेहतरीन तेजी बनती हुई नजर आई। एक हफ्ते का अगर हम हालचाल देखें तो सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ते में 24-25% के रिटर्न इसमें बनते हुए दिखाई दिए हैं। दोस्तों जब से मैं इसे आपको बताना शुरू हुआ हूँ उसके बाद जो इसमें तेजी आई है अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा तेजी है। अगर किसी ने भी इसे फॉलो किया होगा या फिर किसी के पास होगा तो डेफिनेटली उसे तो अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ ही होगा। बात अगर एक महीने की करें तो एक महीने में 50% के पॉजिटिव रिटर्न आए हैं, तो ये भी अपने आप में बहुत अच्छा है। 1360 रुपये पर देखने को मिला था एक महीने पहले, अब देखिए 2156 दिखाई दे रहा है। बात अगर एक साल की करी जाए तो एक साल में रिटर्न आपको फ्लैट दिखाई दे रहे हैं। और बात अगर करें दोस्तों अपने ऊपरी स्तर से तो शेयर अभी भी लगभग 12-13% नीचे ही दिखाई दे रहा है। और 5 साल के रिटर्न भी आप देखिए अगर तो बहुत ही ज़बरदस्त है, लगभग 600% 500-550% के रिटर्न आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मैं आपको लेकर चलूँ कंपनी में किस तरीके के फाइनेंशियल्स दिखाई देते हैं। तो देखिए कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं वो अल्टीमेटली अच्छे ही हैं, कहीं भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लगातार रेवेन्यू बढ़ रहा है और लगातार ही प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर और बहुत ज़्यादा अच्छी ही दिखाई दे रही हैं। अब मैं आपको एक बार कॉर्पोरेट एक्शन पर लेकर ही चलता हूँ, वहीं से हम देखते हैं क्या सीन है इसमें। तो देखिए आपके सामने मैंने कॉर्पोरेट एक्शन लगा दिया है, 8 अगस्त 2022 देखने को मिले इसकी एक्सडेट, और आपको जो रेशियो दिखाई दे रहा है वो है 1:5 का। तो आप अगर देखेंगे तो आज जो डेट है वो है 5 तारीख, तो एक दिन या दो दिन ही आपके पास बचे हैं 6 और 7। तो अगर आप इन दो के अंदर इसमें ख़रीदारी करते हैं वो भी कम्प्लीटली, अगर आपको लगता है शेयर अच्छा हो सकता है तब करिए, अदरवाइज नहीं। अगर आप करते हैं तो आप ज़रूर स्प्लिट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब मैं लास्ट में बात करूँगा एक बेहतरीन शेयर के बारे में जो डिविडेंड दिखाने वाला आने वाले दिनों में, और शेयर का नाम है डिवी स्लैब। अगर इस शेयर के बारे में बात करें तो शेयर बहुत अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। रिटर्न देखें एक महीने के अगर हम रिटर्न देखेंगे तो देखिए एक महीने में लगभग 7% के रिटर्न है। बात एक साल की करें तो 20% के नेगेटिव भी हैं, 5 साल रिटर्न लगभग 450% के, तो रिटर्न बीते 5 साल में बहुत ज़्यादा अच्छे रहे हैं। कंपनी लगातार प्रॉफिटेबल है, रेवेन्यू और प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, तो कोई कहीं टेंशन वाली बात है नहीं। वहीं अगर हम एक बार डिविडेंड का हालचाल देख लें तो देखिए 11 अगस्त 2022 इसकी एक्सडेट दिखाई दे रही है, और 30 रुपये पर शेयर के हिसाब से आपको इसमें डिविडेंड देखने को मिलने वाला है। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में हमने कम्प्लीटली बात कर ली 3 शेयर्स के बारे में। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ भी आ गया दोस्तों। अब मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करूंगा, लेकिन जाने से पहले बस इतना बोलना चाहूंगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जनरल इन्फॉर्मेशन पाने के लिए अभी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।